राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान में भागीदारी करते हुए बालकों की मुख्य चिकित्सालय तथा 7 केंद्रों ने द्वितीय चरण में 1000 से अधिक बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई। बालको महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती मोनिशा गुप्ता ने अस्पताल में नन्हे मुन्नों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। देखें ये रिपोर्ट। पल्स पोलियो कार्यक्रम में श्रीमती मोनिशा गुप्ता एवं बालको महिला मंडल की अनेक पदाधिकारियों, बालको अस्पताल के चिकित्सा सेवाएं प्रमुख डॉक्टर एससी पंत तथा बालको अस्पताल के चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों ने बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई। डॉक्टर पंत ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की विस्तार से जानकारी दी। इस बार पल्स पोलियो कार्यक्रम जो 24, 25, 26 फरवरी में संपन्न हुआ, उसमें हमने बालको हॉस्पिटल की तरफ से और बालको कंपनी की तरफ से 8 गांव में इसको कवर किया, 8 सेंटर में इसको कवर किया। ये सेंटर थे भद्रापारा, कैलाश नगर, परसाभाटा, चेक पोस्ट, सतनाम नगर, बालको हॉस्पिटल, डुग्गू पारा और देहान पारा, और साथ में हमारा एक चलित वैन था जिसने कि जो मूविंग पॉपुलेशन थी उनको भी कवर किया। तो इस प्रकार से तीनों दिन के कार्यक्रम में, पहले दिन जो है ये अपने अपने सेंटर में कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर सुबह 8 से लेकर के और 5 बजे तक लगातार शिविर लगा करके वहाँ पर लोगों को पोलियो ड्रॉप पिलाई। और अगले दो दिन हर एक घर का भ्रमण करके, एक एक घर को चिन्हित करके कि किस घर में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों ने पिया, और उनको वहाँ भी उनको कवर किया। इस प्रकार घूम घूम करके बहुत अच्छा कवरेज किया। तो इसमें उन्होंने जो बालको हॉस्पिटल में करीब 459 केसेस को कवर किया, 459 बच्चों लड़कों को और 445 लड़कियों को कवर किया। इस प्रकार से जो है 904 केसेस को कवर किया। बाद में घर घर घूम करके जो लोग किसी वजह से नहीं पिलाने आ पाए थे उनको कवर करके उन्होंने पहले दिन करीब 92 केसेस को कवर किया, और 26 तारीख को बचे हुए 17 केस को कवर किया। इस प्रकार के कुल जो संख्या हुई वो हमारे बालक 510, बालिका 503, और टोटल जो केसेस हुए वो 1013 केसेस हम लोगों ने कवर किए।